आइए दोस्तों नजर डालते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोरोना को लेकर एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है, मास्क नहीं लगाने वालों के लिए आखिर क्या अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। जानेंगे भारत के आज के ताजा आंकड़े भी, वैक्सीन वगैरह को लेकर भी कुछ खबरें हैं, तो नजर डालते हैं फटाफट से आज की कोरोना अपडेट्स पर। पहली खबर आप देख सकते हैं दोस्तों की दुनिया भर में अभी कोरोना का डेटा क्या चल रहा है, तो जरा देखिए कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 12,000 लोगों की मौत हुई है। ग्लोबली वर्ल्ड वाइड डेटा है दुनिया भर में, है ना, और पिछले 24 घंटों के दौरान ही दोस्तों 6.26 लाख यानी कि 6,26,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मरीज देखे गए। और दोस्तों अब तक 6,48,00,000 से भी ज्यादा लोग इस दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ये ग्लोबल डेटा है, वर्ल्ड वाइड, है ना। वही दोस्तों बात करें भारत की ना, तो हमारे भारत देश में देखिए जरा पिछले 24 घंटों के दौरान 35,000 नए मामले देखे गए, यानी कि भारत अभी भी कोरोना से जूझ रहा। अब तक भारत में 1,38,000 से भी ज्यादा की मौत हो चुकी है, लेकिन राहत की बात पता है क्या, लगातार चौथे दिन भी 40,000 से कम केस देखे गए। अब तक 90,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका। एग्जैक्ट डेटा क्या कहता है तो देखिए जरा, कुल संक्रमित केस की संख्या पिछले 24 घंटों में 35,000 बढ़ी, और उसके बाद कुल संक्रमित की संख्या जो है ना उसमें 35,000 की बढ़ोतरी हुई, और उसके बाद अभी संक्रमित केस की संख्या जो है ना वो हो चुकी है टोटल 95,34,000 से भी ज्यादा, है ना, जिसमें से 4,22,000 एक्टिव केस है यानी कि सक्रिय है जिनका अभी इलाज चल रहा, जबकि 89,73,000 से भी ज्यादा मरीज इस वायरस के कारण ठीक भी हो चुके हैं। इस वायरस से भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,38,648 तक पहुंच चुका। तो ये रहा दोस्तों भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए दोस्तों आप नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। मास्क नहीं पहनने पर कोरोना सेंटर में काम करने के जो गुजरात हाईकोर्ट का जो फैसला था ना, उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल बात कुछ यूं है ना, कल ही गुजरात हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था कि दोस्तों गुजरात राज्य में अगर कोई बिना मास्क नजर आ जाता तो फिर उसको 5-6 घंटे कोविड सेंटर पर काम करना पड़ेगा। ये फैसला गुजरात हाईकोर्ट ने कल ही दिया था, राइट। लेकिन आज देखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उस गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट ने जो ये आदेश दिया था इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, लेकिन अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था, जिसमें मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए कोरोना केयर सेंटर में सामुदायिक सेवा को अनिवार्य करने के निर्देश का अनुरोध किया गया था। गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और इधर देखिए गुजरात सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गुजरात हाईकोर्ट का आदेश पालन करने योग्य नहीं है, इससे लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि लोग बिना मास्क पहने मॉल और शादी की पार्टियों में भी जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कोर्ट ने कहा दोस्तों कि मास्क पहनने को सख्ती से लागू करना जरूरी है। शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के लिए सुनिश्चित दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है। तो कहने का मतलब सिंपली ये है कि मास्क नहीं पहनते तो उन लोगों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और भी उन पर कोई दूसरी कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन उनसे कोविड सेंटर में काम करवाना ये गलत है, इसको वापस सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों भारत के कुछ राज्यों के डेटा की अगर बात करें ना, तो अपडेट देखिए जरा। एक तो दोस्तों महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 111 लोगों की मौत हुई, जबकि 5,600 नए मामले देखे गए। देखिए सर आखिर क्या है अपडेट। असम में दोस्तों 173 नए केस देखे गए पिछले 24 घंटों के दौरान। अंडमान निकोबार में 5 नए मामले आए, यहां पर कंट्रोल काफी अच्छा है। और बाकी तमिलनाडु में 1,428 नए मामले देखे गए, 11 मरीजों की मौत हुई। और अपडेट देखिए महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 5,600 नए मामले आए, 111 की मौत हुई। हरियाणा में दोस्तों आज कोरोना के 1,607 नए मामले देखे गए। पंजाब में कोरोना के 604 नए मामले आए। और आंध्र प्रदेश में आज कोरोना के 663 नए मामले देखे गए, 7 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में आज कोरोना के 1,440 नए मामले आए। और बाकी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को दी जाएगी कोरोना टीके की पहली खुराक, ये अपडेट मैंने आपको बताया था कल ही। और वहीं कर्नाटक में कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण भी शुरू हो चुका है, तो ये भी राहत की बात है। और इसके अलावा दोस्तों बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम को मिला कोवैक्सीन का पहला डोज भी उनको दिया गया है। और केरल में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,316 नए मामले देखे गए, 28 लोगों की मौत हुई। उड़ीसा सरकार ने आरटीपीसीआर टेस्ट यानी कि कोरोना टेस्ट की कीमत को घटाकर 400 रुपए कर दिया। ये कुछ हेडलाइंस न्यूज मैंने आपको बताई थी, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और अपडेट, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं अगले साल जनवरी फरवरी में कोरोना की दूसरी लहर की भी आशंका है। कर्नाटक राज्य की तरफ से ये अपडेट आ रहा है, लेकिन भारत के किन्हीं भी राज्य में दूसरी तीसरी लहर देखने को मिल सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल दोस्तों, और सावधान रहें, आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ओके, फिलहाल अपन बात करते हैं दोस्तों कुछ अगले अपडेट में, जहां खबर देखिए जरा। अब जयपुर राजघराना भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुका है। राज परिवार के सदस्य पृथ्वीराज का संक्रमित होने के बाद निधन भी हो चुका है। वहीं सांसद दिया कुमारी भी पॉजिटिव निकली है। देखिए जरा दोस्तों आखिर किस तरह से राजनीति में भी कोरोना घुस रहा। राजस्थान के जयपुर प्रदेश की बात करें तो यहां एक और कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं अब कोरोना आम से लेकर खास लोगों तक को भी अपनी चपेट में ले रहा। प्रदेश की बड़ी खबर यह है कि अब कोरोना वायरस संक्रमण ने जयपुर के राजघराने को भी अपनी चपेट में ले लिया। जयपुर राजघराने के पूर्व सदस्य 85 वर्षीय महाराज पृथ्वीराज सिंह का निधन बुधवार को हुआ। बताया जा रहा दोस्तों कि उनकी मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक पृथ्वीराज को 4 दिन पहले कोरोना संक्रमित होने पर निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तो यहां पर दोस्तों पूर्व सांसद और होटल रामबाग के निदेशक भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दूं पृथ्वीराज जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की दूसरी पत्नी महारानी किशोर कंवर के पुत्र थे। पृथ्वीराज का राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा
देने और राजधानी जयपुर की छवि अलग पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। अब ये भी कोरोना से पॉजिटिव आए तो वाकई में दुख की बात है और जान जाने वाले लोगों की आत्मा को दोस्तों भगवान शांति दे, हम सभी की तरफ से ये प्रार्थना है, सुकून दे इनको। और अगली खबर देखिए जरा, कोरोना का हॉटस्पॉट बनी पहाड़ों की रानी शिमला, चार गुना रफ्तार से यहाँ पर केस बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बात करें हिमाचल प्रदेश शिमला की, जो पहाड़ों की रानी कहलाई जाती है। राजधानी हिमाचल प्रदेश की जो है ना वो शिमला है और यहाँ शिमला जहाँ टूरिस्ट अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, यहाँ पर अब कोरोना हॉटस्पॉट बन रहा है। अब कोरोना का यहाँ पर बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं। देश के 19 ग्रामीण जिलों में शिमला जिला जो है वो सबसे ऊपर चल रहा है। आलम यह दोस्तों कि यहाँ अब कोरोना के मामले चार गुना की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। एक महीने में यहाँ 177% कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आखिर शिमला में कुल कितने मामले हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भी हिमाचल प्रदेश शिमला वगैरह घूमने जाते हैं ना, कुन्नू मनाली आए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोरोना के मामलों के बढ़ने की रफ्तार का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि अक्टूबर में जहां 1800 एक्टिव केस थे शिमला में, ठीक है ना, वहीं एक महीने बाद नवंबर में ये मामले 7500 चले गए। देखिए जरा, 18, 18, 36, 34, 54, 72 चार गुना से भी ज्यादा बढ़ गए, समझ रहे हो ना। तो सबसे अधिक 171 मौतें शिमला जिले में हुई है, हालांकि इनमें दूसरे जिले के लोग भी शामिल है। वहीं कोरोना के पर्यटन कारोबार पर भी बहुत असर पड़ा है, क्योंकि दोस्तों अब शिमला में बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है ना, तो फिर क्या करते लोग बाग, डरते हैं यार घूमने नहीं जाना, वहां बहुत कोरोना आ रहा है, अरे यार अभी घूमने जाने का प्लान था तो उसको कैंसिल कर दिया। तो इसके चलते क्या कि टूरिज्म पर्यटन कारोबार जो है ना उस पर भी इसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। शिमला जिले में कोरोना का पहला मामला 24 मई को आया था और शिमला में 2 दिसंबर तक कुल कोरोना के मामले 7631 तक पहुंच चुके हैं। अब रीजन क्या है आखिर इसका, क्यों और कैसे हॉटस्पॉट बनी, तो दरअसल हिल्स क्वीन यानी कि पहाड़ियों की रानी शिमला कोरोना हॉटस्पॉट तो बन गई है। दरअसल यहाँ पर टूरिस्ट गतिविधियां बढ़ने से भी कोरोना फैल रहा, इसको भी एक प्रमुख कारण माना जा रहा। साथ ही सोगी बैरियर को बंद कर दिया गया, बिना रोकटोक अब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और कोरोना गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा। हाँ, तो ये कुछ कारण जो है इन्हीं के चलते शिमला में मामले बढ़ रहे हैं। सो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मास्क वगैरह का जरूर इस्तेमाल करें। अगली खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में कोरोना वायरस के 1428 नए मामले आए, 11 मरीजों की मौत हुई, अपडेट मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा भारत की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक और अपडेट देखिए, महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए जरा, दिल्ली सरकार ने क्या फैसला दिया है, तो अपडेट देखिए आप कि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना के चलते दिल्ली के किसी इलाके में रात का कर्फ्यू जो है ना वो फिलहाल नहीं लगाया जा रहा। आपको बता दूं, राष्ट्रीय राजधानी जो है दिल्ली, वहां की गवर्नमेंट जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने कोविड के लिहाज से दिल्ली की स्थिति का आकलन करने के बाद दिल्ली या दिल्ली के कुछ हिस्सों में फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगाने के बारे में विचार किया। यानी कि अगर राजधानी दिल्ली में आप भी रहते हैं तो फिलहाल आप समझ सकते हैं कि नाइट कर्फ्यू वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जैसा कि हिमाचल प्रदेश जो है वहां पर 31 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए पिछले 24 घंटों के दौरान। 31 पुलिसकर्मी जो कि कितने हमारे समाज सेवक लोग होते हैं दोस्तों, वो भी अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं ना तो वाकई में दिल को दुख होता है। और पुलिसकर्मियों का हमको सम्मान करना चाहिए, वाकई में बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको इज्जत नहीं देते, तो इज्जत हमको देनी चाहिए। क्योंकि रात में जब हम अपने चैन से सो रहे होते हैं ना तब वो अपनी ड्यूटी करते हैं, अपनी रखवाली करते हैं। जिस तरह से देश के बाहर हमारी इंडियन आर्मी जो हमारी रक्षा करते हैं, देश के अंदर वो भी हमारे से लूट लफंगों से बचाते हैं पुलिसकर्मी, तो वी रेस्पेक्ट मस्ट ऑल दैट। और अगली खबर देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल अपडेट है, इटली में तीसरी बार कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई 101 वर्षीय महिला, लेकिन संक्रमण के लक्षण नहीं है। जरा देखिए, एक अलग ही तरह का मामला देखा जा रहा है। इटली की एक 101 साल की महिला को रिकॉर्ड तोड़ तीसरी बार कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। उन्हें सबसे पहले फरवरी में संक्रमित हुआ था, अभी उन्हें नवंबर में तीसरी बार संक्रमण का टेस्ट जो था वो भी पॉजिटिव पाया गया। 1918 से 19 के स्पेनिश फ्लू और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप को देखने वाली ये महिला अभी पूरी तरह से स्वस्थ है। देखिए जरा दोस्तों, मतलब ये जो दादी की उम्र कितनी ज्यादा हो गई है। 1918-19 के बीच में स्पेनिश फ्लू आया था ना, उसको भी इन्होंने देखा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर को उसके प्रकोप को भी इन्होंने देखा था। ये महिला अभी तक भी पूरी तरह से स्वस्थ है और जिंदा है। उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें केवल सावधानी के तौर पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। मतलब आपको पता होगा दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि पुराने जो लोग होते हैं ना उनकी हेल्थ इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, पुराने लोग बहुत मजबूत होते हैं। आजकल की जो जनरेशन है, खाने पीने की चीजें किस तरह से बदलती जा रही है, चाउमीन चाउमिया वगैरह बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसे ही वो क्या बोलते हैं फास्ट फूड है ना, ये कुछ ज्यादा खाने से आजकल हमारी बॉडी जो है वो वीक हो चुकी है। और बाकी पुराने जो दादा दादी हैं आज भी गाँव में कई सारे जो रहते हैं वो मतलब इतने स्ट्रॉन्ग है कि आज के युवा लोगों से भी ज्यादा मजबूत वो है। उनका हौसला उनका साहस वाकई में देखने लायक बनता है। तो देखिए, 101 साल की जो दादी है इन्होंने दुनिया देखी है वाकई में, मतलब इनका तजुर्बा सलाम है, सैल्यूट है वाकई में। तो अच्छी बात है दोस्तों कि कोरोना से तीसरी बार संक्रमित पाएगी, उसके बावजूद भी एसिम्प्टोमेटिक है यानी कि लक्षण वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन हम भगवान से उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये स्वस्थ हो जाए और अभी और भी ज्यादा आगे लंबी उम्र जिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है प्रार्थना भगवान से। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना और आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर में आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक शेयर तो आपको करना ही है और एक बात भूल रहा मैं, हाँ, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। या पहले बोल दिया था, खैर जो कुछ भी है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।